सीन कुछ ऐसा है कि आज हम आपको लेकर जाएंगे राप्ती सोनारी गांव पालिका के बाहर पार एक मंदिर और उसके पीछे एक झरना है। वैसे झरना तो नहीं दिखाएंगे पर मंदिर दिखाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ से नज़ारे आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे और ये है बाकी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आपको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ बाकी डिस्ट्रिक्ट का राप्ती सोनारी गांव पालिका का वार्ड नंबर 5 में जो एक पहाड़ है वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करेंगे कैसे गए और हमारे साथ कौन थे। तो जैसे कि लास्ट सैटरडे हम पहुंचे थे राप्ती सोनारी नरेनापुर का सुइया बबड़न बॉर्डर में, वैसे इस सैटरडे का भी प्लान था बाकी ही एक्सप्लोर करें वो भी राप्ती सोनारी राप्ती पार। तो मैं इस बार रवि के साथ नहीं गया था, मैं इस बार विपुल के साथ नहीं गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, रास्ता खराब, दोबारा को ऊपर पकड़न पकड़ा छोटी सी नदी छोटा सा तालाब जिंदगी में है बस पढ़ो का होता है। अभी एक का रास्ता है ले देखे तो पढ़ के फायदा का है, जंगल है जंगल कोपचे कोपचा ठपचा ही ठपचा हो पहाड़ जा रहा है भैया। हम तो सोता हुआ विशाल देवी मंदिर जा रहे हैं ये जंगल एक्सप्लोर करने निकले थे, अब घर का रास्ता भूल गए, घर का रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई बता ही नहीं था कि घर कैसे पहुंच गए। नीलो घर कालो चौक कालो 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 चौक तुम बेटा आगे देखो ना तो उठना मारे उड़ी बुझ रही है समझे नंदु प्रसाद। भाई क्यों वैष्णो देवी मंदिर जाने बाटो कता हो रहा वैष्णो देवी मंदिर जय माँ वैष्णो मंदिर बाइक वाले तो दिख रहे भाई जय माँ वैष्णो देवी मंदिर कता होला गोपा पारी को देश में अच्छा हुआ हम
जूता खतरा वाला पहने क्या जा जूता चौसमिस मैं चला सो तो पड़ तो क्या राज जाएगा कि ना जाएगा हिंदी लेने कोशिश हो पहाड़े पहाड़ ले आओ यहाँ रास्ता खबर क्या पहुँच गया अब यहाँ से एक गियर पर मार के चले ना तो कहाँ उतर जी लेटल इनके गोली खाओ यही लेट जाओ लूट लिया रही मुझे बनाया बना चलो तुम वहाँ पूछी कि तुमसे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ पूछ लो कोई अबे व्हाट्सएप पर पढ़ी तरह का नाम ठूलो चौर ओम को यही हो वीडियो बना है ना चिकन बिरयानी चिकन मोमो कचर के मरियो का हो चश्मा वाले ताऊ बैठे रहे हमको मेरे काला चश्मा दोस्ता है दोस्ता है साफ सुथरा पड़ाता है वो साफ सुथरा रास्ते कहाँ है भैया ये गाड़ी खड़ा करें मंदिर जाने का तो रहता होगा ये आराम से स्टंट में सिंगल रही है तो दिक्कत ना ही है जंगल को पानी देता हुआ लौंडा और सांस लेते हुए बाइक और गड्ढों में है जान अब हम चल रहे पैदल हमारे घुटने में है दर्द है
हमको इलाज नहीं करवाना है, होम्योपैथिक के भाई लुलोपैथिक। क्यों चाचा गुम्बा उम्बम लेके गाड़ी वाड़ी ना घुस जाए हो? धर दिस गाड़ी लेटाए दी लौंडा। छोटा सा झरना देखने के लिए हमने गाड़ी लेटा दी है। और इधर देखो का पावा का इमा मेंढक के बच्चा तैर रहा था। क्या कर रहे वापस बाइक नहीं खड़ा कर ली? गाड़ी को किनारे लगाओ, नहीं तो बाजा फट पलावर हो जाएगा। जोर लगा के खींचो पीछे ले जाके। जाना इधर है, बाइक चाहो तो घुसेड़ सकता, तो जबरदस्ती नहीं है, थोड़ा ढो ही ना ले जाओ बाइक साइड। बस ये किनारे लगाए दो राजा की तरह। पैदा जावा जी। और हमारे गुप्ता जी यहाँ पे बाइक लेकर लेट गए थे, जोश जोश में हम लोग बहुत दूर तक बाइक ले आए हैं। ये देखो जादुई मछली, दो दो पैर है इनके, छटकती हुई मछलियाँ। अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि ये मेंढक है, पर हम नहीं मानते, हमने अपनी आंखों से देखा है। मेंढक नहीं मछलियां है। मन टूट जाना है भाई साहब, चलते चलो। कसम से बताई तो हमारे मम्मी देख ले तो हमका चप्पल से मरी है। घर में हमसे कहीं ना कि सामान ले, हम कहीं पाँव में घुटनम दर्द है। यही पहाड़ माई आई हमका घुटनम ए सकल दिखाई दे, यही हमका पहाड़ दबरा बात है। वही तो कहते तुम क्या फायदा हुई थी हमारे, वो चप्पल चल दी है। तो ये जो यहाँ का प्लान कैसे बना कि एक लड़की थी फेसबुक में, उसने नेपालगंज गली में एक पोस्ट डाला था कि ये राप्ती सुनार गांव पालिका में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो इसको एक्सप्लोर करिए। तो उससे मैंने पूछा था कि कैसे क्या करना, तो उसने जैसे तैसे लिख के स्टेटस मैसेज में भेजा। वो मैसेज पढ़ने के बाद कोई समझ नहीं पाया, वहाँ के लोग को पता ही नहीं है। वो लिखा है जय माँ वैष्णो मंदिर, पर वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि वहाँ शिव मंदिर है। तो पहले तो थैंक यू बोलूँगा उस लड़की को जिसने वो एक्सप्लोर किया, और लोगों को, वहाँ के लोगों को जिन्होंने हमें हेल्प किया। हम लोग जब पहुँचे तो काफ़ी एक डेढ़ घंटा हम लोग का वेस्ट हो गया सिर्फ ढूंढने में, क्योंकि उस मंदिर का नाम ही चिन्ह था, तो इस वजह से बहुत बहुत दिक्कतें हुई हम लोग को। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं वीडियो में बता दूंगा, फिर मैं वहाँ से पर। सबसे पहले आपको जानकी राप्ती सुनारी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 में एक नीला चौतारी है, सो नीलो चौतारी करके एक जगह है, तो वहाँ पे आप जाइए। वहाँ से किसी से भी पूछ लीजिए कि यहाँ पे शिव मंदिर कहाँ पे है, तो वो लोग आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, आप वहां से जा सकते हैं। तो अब हम जाते हैं एग्जैक्ट जगह पे, तो चलिए। ये हो अपने मम्मी से और पापा से झूठ, घर वाले से झूठ बोल के आए हैं, इनके पांव में चोट लगा है, कहा थे हम सब्जी डाल ले जाए पीबे, पर यहाँ देखो यहाँ पहाड़ मच रहे हैं 1000 किलोमीटर ऊपर, और हुआ ही बनावा था, शकल दिखाए दो भैया देख लो आंटी अन भैया देख लो, क्या हरकत इका घूमे कहा हो तो चाहे जहाँ चला दीजिए, नहीं देखे पाँव दर्द होते। देखो जंगल तो डेंजर जंगल है, अब आ गया मंदिर देखने, जबरदस्ती लेके आवा जबरदस्ती। अच्छा हम गोदी में, हम गोदी में लेके तो आए हैं भाई को, पीछे बैठ के तो आए हैं, मजा आवा था कि नहीं? अरे कैसे फील हो रहा है तुमका? कुछ ना बढ़िया फील हो रहा, बस सोचते थे कि वापस जाएगी अगर घर वाले ढूंढने ना लगे। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग आए हैं राप्ती सुनारी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 में, एक मंदिर है
जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके चक्कर में हम लोग लगभग पेट्रोल बहुत खर्चा कर चुके हैं पर अभी तक जगह नहीं मिला है। राइट नाउ हम दो लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो मैं जैकेट लगा के आया था उससे इतना गर्मी हो गया है और ऊपर से लगभग 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा ट्रैकिंग करने, इसे कहते हैं हाइकिंग और ट्रैकिंग, तो इसमें लगभग 10 मिनट भी नहीं हुआ है। सांस इतना ज़्यादा फूल रहा है कि क्या बताएं, और मैं बहुत स्पीड में चल रहा था, उस मेरा सांस फूल रहा है, उसका ससुर फूल रहा है, तो अभी ज़्यादा बोलेंगे तो और सांस में तकलीफ होगी, इसलिए वीडियो बंद मतलब आवाज़ बंद करके सिर्फ रिकॉर्ड करूँगा। कहाँ पर पड़ता है वो मंदिर, तो वो लोगों से एक बार जाके पूछेंगे, कोई अगर हेल्प कर देगा तो कह देंगे भैया हम लोग को वहाँ तक पहुँचा दो, दो चार रुपये कमीशन ले लो। हाँ वो 2:30 बज रही है और आजकल ठंड में अंधेरा जल्दी हो जाता है, जंगल है भैया, जंगल में खो हो गए तो वो दिक्कत नहीं है, पर जंगल में जानवर एक्टिव होते हैं रात को, तो बिना मतलब कि खाना बनने से अच्छा वापस निकल जाए। और भाई वहाँ से कोई है तो उन लोगों से पूछ लें, उन लोगों ने बताया था कि बाइक जा सकता है आराम से, और यहाँ बाइक का कुछ जुगाड़ ही नहीं है, तो मतलब हम लोग गलत रास्ते में आते हैं। किसी ने हमसे कहा था कि यहाँ बाइक लेके आसानी से जा सकते हैं, पर ये नहीं बताया था कि अगर फिसल गए तो टांग तो कंधे पे लात ले जाना पड़ेगा, बाइक को कंधे पे लेके जाना पड़ेगा, बाइक नहीं अपने टांगों को कंधे पे लात ले जाना पड़ेगा। वो देख लो लंगड़ा भी धीरे धीरे चलने लगा है। बढ़िया हम लोग बहुत चिल्ला है, आदमी लोग कोई नहीं आ रहे यहाँ पे, पर ये एक बात अभी गिरने वाला था, पर एक बात सबसे बेस्ट क्या लगा हमें कि पर यहाँ पे विपुल आके एक बात क्या पता चला कि हम लोग चाहें तो बाकी में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। एक बात ऐसा है कि नेपाल में बहुत कुछ है घूमने लायक, फोटो खिंचाने लायक, सही से ईमानदारी से जाओ, बर्दिया ना जाए जरूरत है, कर्णाली मतलब जाओ उना के जाओ, पर तुम्हें बाकी में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई और कहीं जाए जरूरत नहीं है। टाइम बर्बाद करने के लिए नेपाल में बहुत कुछ जाके बनना बर्बाद कर रहा है, बात पर बाकी का प्रमोशन बहुत जरूरत है आगे के जंगल में। इधर कहाँ कर जाओगे, मैं फिर वापस लौट गया एक पूरी, तो सब कुछ बेटर है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ एकदम बेटर है, पर साला हम लोग का रास्ता नहीं मिल रहा है, और बजे लगा है 3 बजने के बाद क्या होता है कि समस्या हो जाता है, जाड़े में 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो बेमतलब के हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, और टाइम में फिर वापस जाना है। चलो ऑनलाइन से पूछा है, हमारी राजा बेटा वहाँ पे खड़ी है, हम लोग का इंतजार करते करते बेचारे को गिरा दिया था गुस्से में है, पर कोई बात नहीं, हम उनको दोबारा किस्सू कर लेंगे, उसके बाद वो सब भूल जाएंगे सारा। ये देखिए हमारे बाइक खड़े हुए हैं शहजादे जी, तो शहजादे जी से हम पहले मुलाकात कर लें, वापस आ गए हैं तुम्हारे बिना, तुमको छोड़ के दुख हो रहा था, चलो फिर वापस लेते हैं, यहीं पे लेटते गिरते पड़ते आए कहानी लड़ते ही पड़ते ही। अभी देखो तुमको हम दिखाते हैं कुछ, एक आदमी स्पीड से बाइक लाएगा और यही लूटेगा, गौर से देखे इस स्टंटमैन को, आराम से चलाना वरना गोटियां यहीं रह जाएंगे बेटे, समझ में आया, आराम से वरना पापा जूते से मारेंगे, आराम से।
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. अपने घर से तो पूरा करा था मंदिर देखा हुआ पहला थी ना यही वीडियो तुम घरे दिखाए हो सीढ़ी ना चढ़ा था हाँ अच्छा 1000 मीटर ऊपर तुम मंदिर में आए हो यो मंदिर तुमका भगवान तुमने सब पार बार ठीक कर दे न जाए इसको सही पे न करी ये हलवा काका न करे ला पीपल माती जी कहाँ पुगी सके मम्मी हम लोग कहाँ पहुँच गए हाँ ए बंद गर्नु भाग अहिले धेरै मैले सुने जो यो बाँकेमा 25 भाग छन् पाटे भाग पाटे भाग त धेरै छन् हाम्रो यो हाम्रै जङ्गलमा रातितिर निक्लिरहन्छ अहिले गिनती धेरै बढेछ नेपालमा बाघ पाटे बाघको गिनती धेरै बढेको छ त्यसले गर्दा कोही जङ्गलमा पनि घुम्न रुचाइरहेको छैन जो घुम्न गयो फेरि घुमिरहेको छ Forever free.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To be